हमारे सलाम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंचे। अरे 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 बाबू, कौन हो आप? क्या हुआ है आपको? इस तरह उदास क्यों है, बोलिए। मेरे अबू बीमार है और कल ईद है, मेरे पास नए कपड़े नहीं है, मैं ईद कैसे बनाऊंगा? अच्छा अच्छा, इसलिए आप उदास है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा तो बताइए आपका नाम क्या है? रियाज अहमद नाम है मेरा। वाह वाह, गुड गुड। अच्छा तो रियाज अहमद, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नए नए कपड़े ला के दूंगा, ठीक है? जी ठीक। अरे अब तो खुश हो जाओ, हंसो हंसो। एजाज, एजाज अहमद, यहाँ आइए। आप अपनी अम्मी जान से जाके कहिए कि रियाज अहमद को अच्छी तरह से गुसल करा दे, मैं इनके लिए नए नए कपड़े लेने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बाबा जी। अब खुश है ना, चलो ईदगाह चलते हैं। लगता है कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, चलो चलते चलो देखते हैं। चलो लगता है ये मर गया। ये तो पुलिस केस होगा, किसी ने हमको देखा तो नहीं। भागो। चल इसको अस्पताल लेके चलते हैं, अस्पताल बहुत दूर होगा, चल गांव के डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चल गांव के आसपास देखते हैं डॉक्टर। चलो चलो चलो।
है वो लड़का ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मल है। खर्चा कितना हो सकता है डॉक्टर साहब? 3000। इनका खर्चा 3000 लगेगा। भाईजान आपके पास कितना पैसा है? करीब 2000 रुपया होगा मेरे पास। यार कोई बात नहीं, किसी इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज है। हाँ भाईजान ईद तो आती रहती है, अगले साल कपड़ा ले लेंगे। ऐसा मौका हम लोग को फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ भाईजान कुछ है पैसे मेरे पास? मेरे पास में कुछ है। डॉक्टर डॉक्टर मेरे को कौन लेके आया यहाँ पे? यहाँ पर दो मुस्लिम लड़का था, वही लाया है। क्या इनका एड्रेस नंबर मिलेगा हमको? हाँ इसमें लिखा हुआ है, ये ले लो, इसे में फोन नंबर है, बात कर लोगे जी डॉक्टर। हाँ अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, और कोई तकलीफ? नहीं नहीं, बताइए वो लोग है कहाँ, कौन था वो दोनों? वो फोन है ना, फोन से बात कर लो ना, पता लग जाएगा। जी डॉक्टर हम कर लेंगे। वो लोग तो हम देखेंगे इधर जाते हुए दोनों। ठीक है भाईजान। भाईजान वो लड़का किस हाल में होगा? डॉक्टर को फोन लगा के देखते हैं। हाँ भाईजान देखते हैं डॉक्टर को फोन लगा के। मोबाइल तो स्विच ऑफ है क्या? चलो भाईजान चलो चल के देखते हैं। चलो भाईजान वो देखो आ रहा है। अरे भाई आप ठीक हो गए? आप दोनों अरशद और मिराज आप ही लोग हो? हाँ हम ही दोनों अरशद और मिराज हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद भाईजान। ये तो हमारा फर्ज था। भाई आप अभी कैसे हैं? मैं अभी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। भाईजान आप दोनों के लिए मैं ईद के लिए कुछ कपड़े लेके आया हूँ। भाई इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ना भाईजान, आप दोनों ने अपनी खुशी को मार कर मेरी जान बचाई है। भाई ये तो हमारा फर्ज था। मेरे डॉक्टर साहब ने सब बोल दिया है, तो कृपया करके ये जो तोहफा आपके लाए हैं आप ये रख लीजिए। भाई हम नहीं लेंगे। मैं ये तोहफा अपने दिल से दे रहा हूँ, तो आप ये ले लीजिए, आप ये रख लीजिए। और भाईजान ईद मुबारक। ईद मुबारक। भाई आपको भी ईद मुबारक। ईद की खुशी की पार्टी भाईजान की तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हम हैं हिंदू, हम हैं मुसलमान, ऐसा नहीं कहना है, हम तो हैं हिंदुस्तानी, हमें साथ मिलके ही रहना है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अरशद मिराज और चाचा जान भी गरीब मिस्किन यतीम और मुसीबत के मारों पर किस कदर इंसानियत दिखाते हैं। ऐ खुदा के नेक बंदो, आप पर भी फर्ज जारी है, बेकश और लाचारों की मदद किया कीजिए, इंशा अल्लाह खुदा आपके साथ है। फजले रहमान है तो क्या डर है, फजले रहमान है तो क्या डर है, हक निगहबान है तो क्या डर है, जिसकी कश्ती का ना खुदा हो खुदा, लाख तूफान है तो क्या डर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई। सबको ईद मुबारक। और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बताना, कमेंट लाइक और शेयर भी कर सकते हो। हैप्पी ईद। और